हमको जिसकी थी वो तलाश हो तुम नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो, जीने मरने की किसको पड़ी। फिर भी ये प्यार कर ले गा रहे हैं। श्याम भजले राम भजले घड़ी दो घड़ी, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई। अब जवानी का कहने का ये मतलब नहीं कि हम रोज जूते खाएं। हाँ, पुलिस थाने में हमेशा रिकॉर्ड बना रहे कि ये मुजरिम है और किसी भी वक्त इसको पकड़ना चाहिए। कोई भी गांव में पहला डंका कोई भी चोरी हो तो सबसे पहले इसको पकड़ना। ऐसी पहचान नहीं, पहचान हो तो भगवान के भक्तों के रूप में पहचान होनी चाहिए। और किसी भी घर में कहीं भी घर में कोई भक्ति करे, कहीं भी घर में कोई भगवान को भक्त है तो सब पहला विरोध उन परिवार वाला करे। यो तो भजनी वे, यो तो ढोलका कुटेला पूरी उम्र, इनको कहीं नहीं बह सके। भक्ति का विरोध करने वाले ज्यादा मिल जाते हैं। और हमारे जितने भी युवा, जितने भी भगवान श्याम के सांवरिया सेठ के दीवाने बैठे हैं, उनके लिए बड़ी सुंदर लाइन। तेरे आवश्यक तेरे दीवाने, सब बहुत धन्यवाद, जय हो। क्योंकि ये संसार दो दिनों का मेला है, ये चार दिन की जवानी है, और आज जो ये मित्रता है आपका माताजी के प्रति, ये प्रेम है, और मुझे आपने जो सभी आशीर्वाद दे रखा है, जितना दिया मेरी माँ ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, और ये तो आशीर्वाद है उनका, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। ये आशीर्वाद सिर्फ माँ भवानी का है। कोई इंसान ऊंचा उठ करके वो भूल जाता है कि मुझ पर कृपा किसकी है, केवल उसमें मैं ही मैं दिखता है, और जिसके अंदर मैं आ गया उसका रिवर्स गियर स्टार्ट है, समझ लेना। क्योंकि दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, और जिसको जैसा मिल जाता है वो वैसी नियत रखता है। तो बिल्कुल, अगर इस उम्र में हमने इस स्तर पे, इस उम्र पे, इस घड़ी में अगर एक क्षण भी दिन में भगवान को मना लिया तो हमारे लिए बुढ़ापा आसान रहेगा। बाकी आके पूरी उम्र ये मेरा, ये इतना पैसा मेरा, ये जगह मेरी, ये घर मेरा, ये पुराना मेरा है, ये मेरा है, एक दिन औलाद कहेगी कि पापा आपका कुछ नहीं, आप तो घर से बाहर जाइए, सब कुछ मेरा है। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, और ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेण बसेरा, साधु भाई उड़ जा हंस, अकेला अकेला जाना है। क्योंकि ये जो आज ये दरबार में हमें जो ये स्थान, ये जगह मिली है, ये बड़े भाग्य वाले को मिलते हैं। बाकी कोई कोई तो विचार करते हैं क्या जाना भजनों में, घर पे सो जाएंगे आराम से, है ना। ऐसे भी है, क्या सुनना भजनों को, क्या नाचना, क्या गाना। हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से, जी भर सबको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। कर ले भजन सत्संग, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं। यहां से निकल करके सुबह किनको काम पे जाना है, किनको ऑफिस जाना है, किनको कहां जाना है, किनको कहां जाना है, समय का कोई भरोसा नहीं, कहां ले जा करके कहां खड़ा कर दे। और आज ये समय जो हमें मिला है, ये बड़े भाव के साथ में हम सभी ठाकुर जी के चरणों में, चार भुजनाथ के चरणों में, खाटू श्याम के चरणों में, बाबा श्याम के चरणों में हाजिर लगाते हुए तालियों के साथ वो सभी हाजिर।
भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे बाबा मेरा परिवार था, मेरा परिवार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मेरा घर चलाने वाला, मेरा घर चलाने वाला तू ही दातार था, तू ही दातार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सत्संग जागरण सभी तभी सफल होता है जब हम मिलकर के नाचे और नाचने के साथ में कुछ सुने और कुछ सुनने के साथ में कुछ ग्रहण करें, तभी हमें जागरण का फल मिलता है। एक बार सभी गाइए, लगन तुमसे जय हो, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भर में कहीं भी चले जाइए आप, जब तक आपके पास में पैसा है तब तक सब पूछेंगे, पैसा है पूछेंगे भाई तू कैसा है ना, जब तक पास में पैसा है पूछेंगे भाई तू कैसा है, और पैसा नहीं तो ये मैं इसे नहीं जानता कौन है, मुझे पता नहीं, मेरे जान पहचान वाला नहीं है। और अगर पास में पैसे हैं तो शादी में जाएंगे, किसी निमंत्रण में जाएंगे, महंगी महंगी गाड़ी लेकर के जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन करके जाएंगे, तो वहां पर सब आदर सम्मान करेंगे। और पास में पैसे नहीं, कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे, भाई आपके लिए साइड में दूसरी जगह व्यवस्था है, आप ये सब वीआईपी के लिए, आपके लिए दूसरी जगह, ऐसे आपको आदर सम्मान मिलेंगे। ये कलयुग है, पर इस समय में, और लोगों का कहना भी है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, पर वो दुनिया के सामने बिकता है, पर जो अंदर का जो है वो वहां पे उसे स्वीकार होता है, और जो अंदर की बात वहां वो स्वीकार करता है, उसके सामने दिखावट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया तो दुनिया मैंने कर ली सांवरिया से यारी, ये दुनियादारी कुछ भी कहे। कोई कहता है महल बनवाऊंगा मैं, कोई कहता है बड़ा राजा बन जाऊंगा मैं, पर तू ना जाने बंदे तेरी क्या औकात है, ये चार दिन की जवानी और पीछे अंधेरी रात है। एक इंसान दूसरे इंसान को क्या देता है, देने वाला तो ईश्वर है, मेरी माँ है। एक इंसान दूसरे इंसान को क्या देता है, बहाना आदमी का है, पर देने वाला तो वो देता है, और जब वो देने पे आ जाए तो खूब लाखों अरबों खरबों के ढेर लगा देता है, और जब वो लेने पे जो आ जाए तो शरीर की चमड़ी तक नोच लेता है। ऐसा है भगवान के दरबार का काम। जिसने भगवान से दगाबाजी कर ली, और सबसे प्रथम बात, जिन्होंने अपने माँ बाप से दगा किया वो बहुत दुखी होंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले भगवान,
सबसे पहले गुरु है अपने माता पिता, और माता पिता के चरणों में चारों धाम है, और जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया वो ना तो यहाँ का है और ना वहां का है। क्योंकि संसार सागर है, अगर माता पिता एक नाम है, और जिसने भी की तन मन धन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझदार है, और माता पिता परमात्मा जीवन में मिलते ना दूजी बार है। सब आ जाएगा पैसों से, माँ बाप नहीं मिलेंगे, और माँ बाप घर में नहीं है तो संस्कार नहीं है। क्योंकि कल आपके बच्चे बच्ची भी ऐसे बच्चे देखेंगे कि मेरे पापा ने मेरे दादा दादी की सेवा नहीं की, तो वो कल जाके वो भी वैसा ही बनेगा। जैसा खेत में हम बीज बोएंगे वैसा फल तैयार होगा। और कहा है कर्म करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए, और बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। हे भगवान, ये दुनिया बड़ी अनोखी है। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। भगवान कभी ये मन में विचार था, ये दुनिया बदनाम करने पे तुली हुई है, इसीलिए हमने तो शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा दिखा जाएगा। जो यहाँ आएगा वो पाएगा ही पाएगा, और नहीं आएगा वो खोएगा ही खोएगा। क्योंकि कुछ पाने के खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम और उसके बाद में जैसा आदेश माताजी भैरव जी के भजन, फिर से हम नाचते हुए झूमते हुए जगत के रंग का देखूं, जगत के रंग का देखूं, तेरा दीदार काफी है, जो फटकू जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, और क्यों भटकू घेरों के दर पे तेरा दरबार। किसी भी एक दरबार के बन के बैठ जाओ, जिद्दी बन के बैठ जाओ, देगा ही देगा। क्यों भटकू घेरों के दर पे तेरा दरबार काफी है, तुम आए तो बाबा गली में आसान किया, जाने कितने दिनों। और जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे हिलास संग, हमारे डोगरा अमर हो जाओ भाई।
सच कह दे बाबा, सच सच कह दे बाबा, कौन लागे तू मारो, कौन लागे तू मारो, कौन लागे मैं थारो, कौन लागे तू मारो, कौन लागे मैं थारो, कौन लागे तू मारो, कौन लागे तू मारो, कौन लागे मैं थारो, कौन लागे। और मेरे साथ में हल्का हल्का म्यूजिक और सभी गाएंगे। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी क्या बात है मनीष जी, हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल, हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल, एक बार चली गई जो ये बहारे, लौट के ना आएगी गुजरी बहारे, मेला बहारों का आता है एक बार चला। लगन तुमसे एक क्षण अगर भगवान को याद कर लिया तो ठीक है, उम्र अच्छी गुजर जाएगी, बाकी तो बुढ़ापे में बैठ करके गाना क्या। जब याद आएगी जवानी की, हमने जवानी में भगवान का नाम नहीं लिया, आज बेटे बेटी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये गाना क्या। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहे,